वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। और इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी चेकआउट कर लें, हमें उधर कोई लिंक भेजना हो आप भेज सकते हैं, और बैकअप चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी देख लेना। एग्जैक्टली, तू इंट्रो दे दे। अब आते हैं इंट्रो पे। मैं हूँ बशीर और ये है वजाहत। तो टाइटल वीडियो का ये है जी, इंडिया ब्रेक्स 18 ईयर रिकॉर्ड ऑन ट्रेड सरप्लस $790 मिलियन। मतलब 18 साल का रिकॉर्ड को इंडिया ने तोड़ा है, मतलब ट्रेड का 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया, 790 मिलियन डॉलर। तो मतलब कौन सा तोड़ा होगा बे? मैं तो रकम ही देख रकम कोई, ये आगे रकम भी लिखी है $790 मिलियन, काफी बड़ी रकम है। देखते हैं अभी पहले, फिर उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। मतलब इस सिचुएशन में भी ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है इंडिया, मतलब पेंडेमिक की सिचुएशन में। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टॉप। इसका लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। दोस्तों, विपरीत परिस्थिति में भी देश को कैसे संभालना है और देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बात भारत की नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी जानती है, और इस काम में उसने मास्टर डिग्री तो कर ही रखी है। और ये बात आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताकर उन्हें दूसरी बार चुना गया था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब निकल कर आ रहा है कोरोना वायरस की महामारी के दौरान, जहां पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट्स चरमरा रहे हैं, वहीं भारत में 18 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत अपना इंपोर्ट कम कर रहा है, बल्कि इसकी मुकाबले में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा रहा है। और 18 सालों के इतिहास में भारत को पहली बार $790 मिलियन का मुनाफा हुआ है। क्या है मामला और आखिरकार कैसे हम इतनी बढ़त हासिल कर सके हैं, और कहां तक ये बढ़त हमारे लिए अच्छी है, और ये क्या संकेत दे रही है, जानेंगे ये सभी बातें इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया के हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको इंडी प्लस न्यूज पर सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ कर रख दिया है, और कर्व्स कभी ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे आती हैं, और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। भारत का इंपोर्ट अब कम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। दोस्तों, आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े जून महीने के सामने आए हैं, उसके अनुसार जो हमारा पहले साल का जून महीने का डाटा था, उस साल के अकॉर्डिंग इस साल जून महीने में 48% इंपोर्ट हमने कम किया है, और इस साल हमने $21 बिलियन का सामान जून महीने में खरीदा है। और इसी के साथ ही जो एक्सपोर्ट के डाटा जून महीने में आए हैं, उसके अनुसार पिछले साल के मुकाबले 12% एक्सपोर्ट कम हुआ है, जिसके चलते भारत का एक्सपोर्ट आज $21.9 बिलियन तक जा पहुंचा है। और दोस्तों, जो आज भारत इंपोर्ट में कमी ला रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल, गोल्ड इंपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक से बने हुए सामान। जी हाँ दोस्तों, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण से आज भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो आज मुनाफे में चला गया है। हालांकि दोस्तों, आज क्रूड ऑयल की खपत भारत में कम हो रही है, क्योंकि भारत के बड़े बड़े राज्य आज लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, जिस कारण से तेल की खपत कम हुई है। और हमने इस जून महीने में 56% के अनुसार क्रूड ऑयल कम मंगवाया है, और करीब $5 बिलियन की कटौती क्रूड ऑयल में की गई है। और ऐसा ही हाल गोल्ड इंपोर्ट में है, जहां 77% की कटौती के साथ $608 मिलियन तक हमने ये डाटा पहुंचाया है। और ऐसा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के जितने भी प्रोडक्ट हैं और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, उन मामलों में भी भारी गिरावट देखी गई है, और यही कारण है कि भारत ने इस साल 48% अपना इंपोर्ट कम किया है। और दोस्तों, इसी के साथ ही जो बॉयकॉट चाइना है और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम,
जो आपने अपना रखी है, 130 करोड़ भारतीयों ने अपना रखी है, उसी का ही नतीजा है कि आज इंपोर्ट कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही एक 790 मिलियन डॉलर का जो सरप्लस जून में देखा गया है, इसी तरह का सरप्लस ही 2002 में भी देखा गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और करीब जनवरी महीने में 10 मिलियन डॉलर की कमाई भारत ने पहली बार देखी थी। और ऐसी ही कमाई आज 1800 बाद 2020 में जून के महीने में भारत देख रहा है। परंतु दोस्तों अब मिलियन डॉलर का क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा बिगड़ा है और इसमें एक्सपोर्ट के मामले में हम आज इतनी बढ़ोतरी में हैं, तो क्या ये एक अच्छी खबर है या फिर एक जायज खबर है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर बिल्कुल जायज खबर है और भारत सरकार की इसमें तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ हम अपने ट्रेड सरप्लस को बढ़ा सकते हैं, अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बनाकर अपनी चीजों को ही अपने देश में बेच सकते हैं। और दोस्तों जो ये सामान हम अब नहीं खरीद रहे हैं, यही सामान हम अगर मेड इन इंडिया का खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा और हमारे सरप्लस और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इससे इन सालों से पहले सालों में क्या होता था कि हम चीन से सामान आयात करते थे, आज भी चीन का जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं वो तेजी से गिर रहा है, जिस कारण से भारत का आत्मनिर्भर बनना और ट्रेड सरप्लस होना एक सही सूचक है कि भारत की मोदी सरकार अपनी देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए सही कदम उठा रही है। और ये जून महीने के 790 मिलियन डॉलर के सरप्लस यही इसी ओर इशारा कर रहा है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? हालांकि इतना जरूर है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो धंधे बंद हुए हैं, जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, उसके बारे में भी चिंता की जानी चाहिए, लेकिन वो एक अलग मैटर है, क्योंकि उस मैटर पे देखा जाए तो कोरोना वायरस की मार उन सेक्टर पर पड़ रही है। लेकिन इसी के साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भारत सरकार की नीतियों के कारण ये ट्रेड सरप्लस 18 सालों के इतिहास में पहली बार। और इसी साथ वीडियो खत्म। तो यार ये थी मतलब वीडियो, तो मतलब वजह देख तो चाइना का भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वजह चाइना की मतलब बायकॉट की है, तो मतलब वहां से इम्पोर्ट बहुत कम हो गया है। पहले तो मतलब सबसे ज्यादा चाइना से चीजें लेता था भारत, क्योंकि करीब ही पड़ता था और इजीली भी हो जाता था, तो और मतलब सस्ते में भी मिल जाती थी। हाँ। यार यहाँ पे मुबशरे माना पड़ेगा मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है। मतलब नीचे कमेंट्स में भी तो तब भी कमेंट्स में तब लोग बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है। यार आज पर्सनली हम लोग खुद ये चीज मान रहे हैं, ये चीज देख, सही बात है। तुझे पता है अब जिस तरह कोरोना वायरस आया है, इन लोगों ने ये विकेटें बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, मतलब वो हमने एक वीडियो देखी थी उसमें कितना कुछ था, बिल्कुल वही। तो अब देख हर मतलब इस सिचुएशन में इस इंडस्ट्री को भी इन्होंने हिट करा है, एक्सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट चीजें कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोक्वीन जिस तरह थी, मतलब इस तरह ये एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई है और इम्पोर्ट बहुत कम होता जा रही है। तो मतलब 780 मिलियन डॉलर का मतलब सरप्लस जो है, मतलब फायदा हुआ है तो जून के महीने में। और इससे पहले जो ये हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के मतलब फर्स्ट प्राइम मतलब बीजेपी पार्टी के थे, वो भी और मोदी सर उनको अपना गुरु मेरे ख्याल में मानते, मतलब ये हाँ या कमेंट सेक्शन में बताना कि गुरु मानते हैं। कांग्रेस ने खाया नहीं इंडिया को, तो यार मतलब सारे खाना खाओ पियो मामला है, और क्या मतलब खाओ पी मामला भाई, तो मतलब नजर आता है ना, काम जिसने किया उसका नजर आता यार है। मतलब के वाक्य में मोदी सर जो है जो लेके जा रहा है ना इंडिया को, आने वाले वक्त में कोई और ही इसकी दिशा होगी। और बसी मतलब अब देख इंडिया में कितने तेजी से फिर भी अभी भी कोरोना वायरस फैल रहा है, देखे लेकिन फिर भी कंट्री को कोई नुकसान नहीं हो रहा, 20 से 30 हजार रोज के केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल। और तो उसके दौरान भी देख ले के मतलब कितना तेजी से ये लोग आगे जा रहे हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट कितना भाई कर दिया है। कसम का इसके लिए आपको यार फिर एक बार हम मुबारक देना चाहेंगे कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, तो यार बहुत बहुत मुबारक हो इसके लिए आप लोगों को। और यार मतलब काफी एक सोचा जाए तो काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है बीजेपी ने, मतलब इकोनॉमी डबल कर दी है मतलब 2014 से अभी तक 6 साल वो देख ले। मैं तो वाकई में बहुत सेटिस्फाई हूँ यार मोदी सर से इन चीजों में सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए जो मतलब कंट्री को ग्रो कराए। एग्जैक्टली नीचे कमेंट में लोग बोलते थे ना मोदी है तो मुमकिन, लेकिन मतलब कि हम मतलब इस तरह हम लोग अब ऐसा ऐसा तब देख रहे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन मतलब आप तो अब जब जब ऐसी चीजें सामने निकल गई हैं तो काफी वाकई यार इंडिया ने बहुत ग्रो कर लिया, जो जिससे जैसे पहले था उससे बहुत ज्यादा।
तो यार फिर एक बार मुबारक, और आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते एंड सत श्री अकाल।